इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है, जो कि इसमें पोस्ट रखा गया है, ये आपको ग्रुप बी और सी के लिए यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। और इसका जो है आवेदन यहाँ पर चालू हो, और इसका जो है ऑनलाइन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुके हैं। इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, ठीक है, इसका जो लास्ट डेट फॉर्म, तो 30 नवंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए बताया है नोटिफिकेशन में। तो अप्लाई करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आपको 30 नवंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बात करें कि इसमें फॉर्म भरते वक्त इसमें टोकन क्या क्या लगने वाला है, टोकन को कैसे अपलोड करें, ठीक है। तो इस वीडियो बन रही है, हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कॉमेंट करते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ। तो डॉक्यूमेंट अपलोड के रिगार्डिंग हम बात करें कि आपको डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड करना है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको जो लगने वाला है, क्या सबसे पहले फोटो मांगा गया है, उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका टेन का सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोटो आपको कलर में अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज का, ये आपको कम से कम साइज जो मांगा गया है 100 KB तक, तो 100 KB मांगा गया है तो 100 KB से नीचे रखिएगा, ठीक है। 100 KB से ऊपर नहीं करना है, जैसे 80, 90, 95 इस तरह से कीजिएगा तो आसानी से यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर भी उसी साइज में मांगा गया है 100 KB, तो 100 KB से कम रखना है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका 200 KB का होना चाहिए। ये आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो अपलोड करना है जेपीजी और पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड करना है, ठीक है। देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट आप जो अपलोड करना है तो आपको जेपीजी या पीडीएफ फाइल में यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अगर हमारे पीडीएफ फाइल में अपलोड करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ फाइल में बनाना होगा। पीडीएफ फाइल में कैसे बनाएंगे वो भी यहाँ पे बताने वाले हैं। कम से कम यहाँ से 200 KB के होना चाहिए, 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 180, 190 इस तरह से कीजिएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड ले लेगा। उसके बाद अगर 10 का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि ये भी आपको 200 KB तक होना चाहिए, 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको फॉर्मेट रहेगा फाइल का जेपीजी और पीडीएफ फाइल में, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से अपलोड करना है, साइज में रखकर जितना यहाँ पर साइज बताएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पे बात करें कि आपका जो है पीडीएफ फाइल में, जेपीजी से पीडीएफ फाइल में, जैसे मान लिया आप पीडीएफ फाइल में अपलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल में कैसे बनाएं, तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले गूगल खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर गूगल खोलेंगे और गूगल में लिखेंगे, जैसे मान लिया आपका जेपीजी है फाइल, जेपीजी से पीडीएफ फाइल में करना चाहते हैं तो जेपीजी टू पीडीएफ, ठीक है, इतना लिखेंगे गूगल में, सर्च कर देंगे। सर्च पर जैसे क्लिक कीजिए तो आपका, ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट मिलेगा, तो यहाँ पे आपको जेपीजी टू पीडीएफ वाला उसमें क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे आपको बताएगा जेपीजी टू पीडीएफ, यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से अपलोड करके यहाँ पे कमांड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो जेपीजी से पीडीएफ फाइल में यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ फाइल में जैसे बन जाएगा तो यहाँ पे आसानी से आके अपलोड करेंगे, ठीक है, ठीक है। इतना के भी से आप ज्यादा रखिएगा तो अपलोड नहीं लेगा, इसके अंदर में रखना है तभी आपको अपलोड लेगा। तो जैसा कि देखिए आप लोग को बता दें किस तरह से आपको जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, यहाँ पर क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ठीक है। जितना कहीं मांगा गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपलोड करना है, उसके ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा कीजिएगा तो आपके यहाँ अपलोड नहीं लेगा, इसलिए उसे थोड़ा कम रखना है। तो चलिए इस वीडियो में बताएं और मिलते हैं फिर एक अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी सबसे डेली अपडेट देखने के लिए।